ये थी मेरी गुजरात से बिलासपुर तक की जर्नी। अब मैं जा रहा हूँ भाई रोड मतलब ऑटो से बस स्टैंड, क्योंकि ट्रेन मेरी 6 बजे है, तो अभी दोपहर में मेरे को बस स्टैंड जाना है। तो मैं अंकल के साथ जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, और मैं ऑटो में बैठ रहा हूँ। ये कुछ लुक है मतलब बिलासपुर स्टेशन के आगे जा, तो मैं ऑटो में बैठ के बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ। और लगता है कि अंकल बस स्टेशन है और उनकी वॉइस सुन सकते हैं। लॉकडाउन बचाओ। अंकल बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से वो एडिटेड हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा माहौल देख रहे हैं, मतलब खाली खाली वातावरण लग रहा है, ये देख सकते हैं। और बस स्टैंड की ओर जा रहे बाई ऑटो से। यहाँ एक चर्च दिखाई दे रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये जो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड है जो बिलासपुर का, वहाँ जाने का बाई रोड हम लोग जा रहे हैं। ये चर्च है। तो कुछ इस तरह की जर्नी थी मेरी बिलासपुर स्टेशन से आगे की, आप देख सकते हैं। मतलब जबलपुर बिलासपुर जो है बहुत ही क्लीन है। आई थिंक ये कोरोना के टाइम पे है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं दिखाई दे रही, और ये स्टेशन से निकलने वाला रास्ता है इसलिए। अब चलिए मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। पगडंडी वाला रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और ये आते हैं शहर की ओर। ये देख सकते हैं यहाँ भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही लग रही है और यहाँ बहुत सारे शॉप हैं। तो ये पुराने बस स्टैंड की ओर जाने वाला रास्ता है, ये देखिए अटल दौर है। तो गाइस इधर मतलब थोड़ा सा खाली खाली है, लेकिन ये देखिए मतलब ट्रैफिक जाम भी बहुत सारा हो रहा था। तो अंकल जो है जो ऑटो चला रहे थे वो बहुत धीमा धीमा चल रहे थे। अभी आप ट्रैफिक का मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा धीमा धीमा चल रहे थे, जिसकी वजह से लगभग 8 किलोमीटर जाने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। तो कुछ इस तरह से ये देखिए जाम होता जा रहा था, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और धीरे धीरे हम लोग बस स्टैंड में पहुँच ही गए। ये देखिए फिर से जाम हो गया, ये ट्रैफिक जाम। अभी हम लोग आगे निकल गए। तो फाइनली गाइस भटकते भटकते आखिरकार हम बस स्टैंड में ही पहुंच गए। और ये देख सकते हो बस स्टैंड का व्यू है। यहाँ बहुत सारी बस है जो मतलब ट्रेवल्स के लिए जाती है बहुत दूर दूर तक, दिल्ली, सतना, रीवा, और ये आपका नागपुर, महाराष्ट्र, जो कि यहाँ से जाती है। और ये भीड़ बहुत सारी है बस स्टैंड में, कुछ आप देख सकते हो। मतलब सभी लोग आई थिंक, और खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब लोग बैठे हुए हैं, ये सभी जाने वाले हैं, ट्रेवल्स वाले हैं, तो दूर दूर जिनका सफ़र रहता है। ये बिलासपुर के बस स्टैंड का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं अपनी बस मैं मतलब अपना वो ढूंढ रहा हूँ कि रायपुर के लिए कहाँ से मिलेगी। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये भैया ट्रेवल्स वाले बैठे हैं, और ये मोची भैया बैठे हुए हैं, मतलब जूते, किसी के जूते उठा फट गया, चप्पल फट गया उसके लिए है। और ये बहुत सारे लोग लगता है बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है, मतलब इकट्ठे हुए हैं, उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्राउडेड, कहीं कहीं लोग जाम है जैसे दूर दूर से जाने आने के लिए।
ये देखिए इंतज़ार करते हैं ट्रेवल्स के लिए, ये अभी है और बिलासपुर खिरमुनी के लिए गारंटी में है। और ये कुछ इस तरह की भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा बस स्टैंड का लोकेशन है जो बिलासपुर का है। यहाँ बहुत सारी बस खड़ी हुई है, मतलब कोई रायपुर, कोई छिंदवाड़ा, कोई भोपाल, कोई जबलपुर जाने के लिए रेडी है। तो मैं भी अपनी बस देख लेता हूँ कहाँ से मतलब मिलेगी। तो ये मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। ये अंकल बुला रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? चलिए अंकल को मैं बता देता हूँ। और आफ्टर ऑल मैं बस के अंदर आ गया हूँ, आप देख सकते हो बस में अभी तो खैर खाली खाली दिख रहा है, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। और धीरे धीरे मतलब बस भर रही है, एसी वाली बस है, उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। धीरे से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक चुका था, इसीलिए आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया बस से जैसे मैं जा रहा हूँ रायपुर। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रायपुर तक की रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।